साथियों, इन परिवारवादियों का वैक्सीन को लेकर जो रवैया रहा है वो भी पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश ने देखा है। इन लोगों ने भारत में बनी वैक्सीन को बदनाम करने की भरपूर कोशिश की और यहां तक कह दिया, आपको याद है ना, यहां तक कह दिया ये भाजपा की वैक्सीन है, ये तो भाजपा की वैक्सीन है। और कुछ लोगों ने कहा ये तो भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। कोशिश यही थी, उनका इरादा यही था कि लोग डर जाएं, राजनीति का रंग लग जाए और लोग वैक्सीन न लगवाएं, और वैक्सीन न लगे, कोरोना का हमला होता रहे, लोग मुसीबत में फंसते रहे और मोदी बदनाम होता रहे, योगी बदनाम होता रहे, तबाही होती रहे। भाइयों बहनों, क्या ये सोच अच्छी है क्या? किसी का बुरा सोचना ये अच्छी बात है क्या? क्या ऐसे लोगों को माफ किया जा सकता है क्या? इन्होंने गुनाह किया है कि नहीं किया है? ऐसे गुनहगारों को आपका वोट मांगने का हक है क्या? लेकिन इन लोगों की इज्जत ही इतनी जमीन पे पहुंच गई है, इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी खराब है कि खुद इनकी पार्टी के लोगों ने भी, इनके कार्यकर्ताओं ने भी उनकी बात नहीं सुनी और वैक्सीन लगवा दी। ये परिवारवादी बहकाते रहे, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने भी रजिस्ट्रेशन करवाया और उन्हें भी कोरोना वैक्सीन की डोज ले ली। साथियों, भारत ने जिस तरह दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया, उस पर हर भारतीय को गर्व है। पहले दिन से यह अभियान नियमों के अनुसार चला, डिसिप्लिन से चला, कोई भगदड़ नहीं, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, सब कुछ नियम से हुआ। इतने बड़े देश में जब कोरोना के कारण मुसीबतें सामने खड़ी हो, फिर भी सारा काम डिसिप्लिन से चले, ये हिंदुस्तान के लिए सर ऊंचा करने की घटना है भाइयों, बहुत बड़ी बात है। और आप खुद भी गवाह है कि जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ, तो मोदी खुद दौड़कर सबसे पहले वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं पहुंचा। हमने पहले स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को, सफाई कर्मचारियों को, बुजुर्गों को, गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को वैक्सीन लगवाने का मौका दिया। ये परिवारवादी सरकार में होते तो सारी लाइनें तोड़कर खुद सबसे पहले वैक्सीन लगवाते। आप ये भी देखिए, मैंने भी वैक्सीन तब लगवाई जब नियम से मेरा नंबर आया। आप सबको मालूम होगा, अब मेरी मां 100 साल की उम्र है, उन्होंने भी लाइन नहीं तोड़ी, उन्होंने भी जब उनका नंबर आया नियम से तब वैक्सीन लगवाई। इतना ही नहीं, अभी बूस्टर डोज, तीसरे डोज की चर्चा चल रही है, मेरी मां ने नहीं लगवाया क्योंकि उम्र 100 साल है, लेकिन कोई और बीमारी नहीं होने के कारण
उनका नंबर नहीं लगता है तो उन्होंने नहीं लगवाई। कानून नियमों का पालन प्रधानमंत्री भी करता है, प्रधानमंत्री की 100 साल की उम्र की मां भी करती है। ये परिवारवादी होते तो पहले खुद का वैक्सीनेशन होता और सामान्य लोग पीछे रह जाते।